नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बॉटिम के बारे में। जिन लोगों का पैसा बॉटिम में फंसा हुआ है तो वो पैसा आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है उसका पैसा भी फंसा हुआ था। तो उसकी तो रकम बहुत ज्यादा थी, अमाउंट ज्यादा थी, तो वो बहुत परेशान था। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप बॉटिम में पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसने वहां से इन्फॉर्मेशन ली और कुछ थोड़ा अपना दिमाग भी चलाया और उसका पैसा है जो रिकवर हो गया। तो कितने दिन बाद पैसा रिकवर हुआ ये भी मैं आपको बता दूंगा, कितना पैसा था और उसने क्या क्या फॉलो किया, पूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि बॉटिम में पैसा आप रिकवर कैसे कर सकते हैं और उसकी बॉटिम को जो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उस कमेंट सेक्शन में आज के टाइम पे इतने लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा पैसा फंस गया, मेरा ये शॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो चलो, मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं ताकि लोगों को भी मोटिवेट मिल जाएगा कि उसका पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का पैसा रिकवर हुआ तो आप भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने कस्टमर केयर के साथ बात हुई उसकी और उसने बहुत सारी ईमेल सेंड की कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, स्क्रीनशॉट के साथ कि मैंने पैसा ट्रांसफर किया था और उसका पैसा फंस गया है। तो उसने बहुत सारी जो है कॉन्टेक्ट किए कस्टमर केयर के साथ और नंबर सेकंड पे उसने ईमेल सेंड की। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों पैसा कितना था और वो जो है कितने दिन लगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, उसने 7 अक्टूबर को पैसा ट्रांसफर किया था, 7 अक्टूबर को उसने पैसा ट्रांसफर किया और उसका पैसा फंस गया और 19 अक्टूबर को जो है उसका पैसा है जो उसके अकाउंट में दोबारा वापस आ गया था, उसने रिकवर कर लिया था पैसा जो उसका फंसा हुआ था बॉटिम में। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 7 अक्टूबर को उसने ट्रांसफर किया था और उसके बाद उसको 19 अक्टूबर को जो पैसा वापस आ गया, कम से कम उसके लगे ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद उसको पैसा मिल गया था। तो अगर आपने भी जो ट्रांसफर किया हुआ है तो आपने करना क्या है, कस्टमर केयर के साथ बात करनी है और ईमेल सेंड करनी है दोस्तों, और यही आप उसका जो है रीजन था कि उसने जो पैसा रिकवर कर लिया। तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हुआ कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप, मैं उसका लिंक है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और मैं थर्ड नंबर पे बताऊंगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया था कि उसका पैसा बहुत ज्यादा था, उसका कितना था, उसका 11,000 दराम था जो बॉटिम के अंदर फंस गया था, 11,000 दराम। अगर आपको जो है नहीं यकीन आ रहा है, आप नहीं बिलीव कर रहे तो देखिए कमेंट, ये उसने कमेंट किया है कि मेरा पैसा है मुझे वापस मिल गया। उसने पहले बहुत सारे कमेंट किए थे कि मेरा 11,000 है जो बॉटिम में फंसा हुआ है, तो ये ऐसे करके उसका 11,000 है जो उसको मिल गया। अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है बॉटिम में तो आप भी ऐसे करके ही अपना पैसा है जो रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या उसने कस्टमर केयर के साथ बात की और ईमेल सेंड की, नंबर सेकंड पे उसको 12 दिन लगे, 7 अक्टूबर को उसने पैसा ट्रांसफर किया था, 19 अक्टूबर को उसका पैसा मिल गया, नंबर थर्ड पे उसका 11,000 था। अगर आपका भी 2,000 3,000 कितना भी है तो आपने भी यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपका पैसा भी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ लोगों की हेल्प हो सके। अगर फिर भी हेल्प नहीं हो रही तो आपने ईमेल जो कस्टमर ईमेल के साथ और कस्टमर केयर के साथ आपने जो है कॉन्टेक्ट बना के रखना है ताकि आपका पैसा भी आपको मिल जाए। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।